अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के रामलीला मैदान में है। ये वही रामलीला मैदान है जिस मैदान में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल किया था, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। और आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पूरा विपक्ष एकजुट इस रामलीला मैदान में हो रहा है। और इस रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ की महारैली आज विपक्षी दलों की है। इसमें बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी क्या सुनीता केजरीवाल को लेकर इस रैली में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, क्या उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बीते दिन सुनीता केजरीवाल को देखा, वो सामने आई, लोगों के सामने आई और बातचीत उसी जगह किया बैठकर जहां से बैठकर अरविंद केजरीवाल लोगों को संबोधित करते थे। चेहरा सुनीता केजरीवाल का था लेकिन मैसेज अरविंद केजरीवाल का था। मैं तो कह रही है सिर्फ आपके नेता ही बार बार क्यों ईडी सीबीआई के सामने पेश हो रहे हैं? मैडम एक बात बताएं, ईडी जो एजेंसियां हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के अधीन है। तो आप ये समझिए कि जब महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनको तो एक क्लीन चिट दे देते हैं, जब असम के अंदर जब इनके जो मुख्यमंत्री हैं शर्मा जी जब वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनको क्लीन चिट देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो राजनीति के अंदर जो बदलाव किया है आज उसे पूरी दिल्ली नहीं, पंजाब नहीं, पूरा भारत देख रहा है। और आज देश के लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं और विकास की राजनीति कर रहे हैं। तो देश जो है वो जातिवाद की, धर्म की राजनीति से परे हटकर विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है और अरविंद केजरीवाल जी के वो साथ है। और हम ये चाहते हैं कि जो जिस प्रकार से उन्हें गलत तरीके से उनको जो गिरफ्तार किया गया है उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। बीजेपी कह रही है इस्तीफा दे दें अरविंद केजरीवाल जी, इस्तीफा क्यों? इस्तीफा डाल दिया सड़क में, सड़क से आदमी याद आता उसको डाके जेल में इस्तीफा की सवाल कर दे। सरकार कैसे चलाएगी? जैसे चलाएंगे सब कुछ होगा जेल से, जो जगह जो हमारा नेता चोर हो फिर तो इस्तीफा दे। हाँ हमें पूरा कोर्ट पर भरोसा है, हम वहाँ से बिल्कुल बाइज्जत बरी होकर निकलेंगे। नहीं है फिलहाल लोकसभा चुनाव चौखट पर है। एक तरफ पीएम मोदी आज जयंत चौधरी के साथ मेरठ सीट से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी पूरे तरीके से इस लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विपक्ष हाशिए पर खड़ा जरूर नजर आता है और साथ साथ आज इस महारैली के जरिए कहीं ना कहीं विपक्ष ये संदेश देने की भी कोशिश करेगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ तो उनका प्रदर्शन है ही, साथ ही साथ विपक्ष एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं श्रुति, विस्तार न्यूज दिल्ली।